खबर पश्चिम बंगाल की है, जहां गंगा नदी के पानी को नहाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पश्चिम बंगाल में मल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के अधिक होने की वजह से राज्य में गंगा नदी के पूरे पानी को नहाने के लिए सही नहीं पाते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है। पर्यावरण संरक्षक ने न्यायिक निकाय एनजीटी ने पाया कि रोज करीब मिलियन लीटर सीवेज सीधे नदी में बह रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ खतरा पैदा करता है। बता दें कि कई राज्यों में गंगा नदी में पॉल्यूशन को रोकने, कंट्रोल करने और कम करने के लिए चल रहे प्रयासों के संबंध में सुनवाई के दौरान यह हैरान करने वाली बात सामने आई है। बता दें कि एनजीटी ने कई जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा ट्रायल रिपोर्टों की जांच करने के बाद गहरी चिंता व्यक्त की। गौरतलब है कि देश के अलग अलग राज्यों में गंगा नदी प्रदूषण रोकथाम के लिए हो रहे उपायों और सरकारी प्रयासों से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को गंभीर करार दिया। गंगा नदी में प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के प्रयासों के संबंध में एनजीटी ने पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश रिपोर्ट की समीक्षा की। एनजीटी पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नादिया, मालदा, हुगली, पूर्व बर्दवान, हावड़ा, पूर्व मोदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से फाइल रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य भर में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त इंतजाम की कमी है। पूर्वी मेदिनीपुर जैसे कुछ जिलों में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी ना होना चौंकाने वाला है।